ये ज़िला शांगला का एक ख़ूबसूरत सा इलाका वादी पुरन है, जिसमें हम अभी आ चुके हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत इलाका है ये। तकरीबन सतह समंदर से तकरीबन 6-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर यहाँ पर पड़ा है। जिस ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये चकेसर है और इसकी जो मगरबी तरफ है, यहाँ पर पुरन की वादी वाक़या है। आइए देख लेते हैं, हम आप लोगों के लिए एक ख़ूबसूरत सा व्लॉग लाते हैं ताकि आप लोग हमारा ये ट्रेवल एंजॉय करें। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है जिसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़े से मुश्किल और गटन रास्तों से गुजर कर हम इस वक्त यहाँ एक बहुत खूबसूरत से वादी में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को अपना व्लॉग दिखाएंगे और जो कुछ खाना वगैरह हम अपने साथ लाए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत से ख़ूबसूरत मकाम पर। इसका नाम तो मैं नहीं जानता, ख़ास करके इस इलाके में जहाँ पर हम आ चुके हैं मैं नहीं जानता इसका नाम, लेकिन ये जो इलाका है ये चकेसर और पुरन के दरमियान ख़ूबसूरत सा इलाका है और ये वादी पुरन है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बकरियां हैं यहाँ पर अपने लिए कुछ खाने के लिए आए हैं, और ये यहाँ पे जो है ये बहुत खूबसूरत किस्म के बकरे हैं। ये इलाका कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस तरह के बकरियों, गाय, भैंस, इन्हीं पर अपनी ज़िंदगी का इंतज़ार करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जो इन्हिसार है वो अक्सर सब्ज़ियों पर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर बकरियों, गाय, भैंस वगैरह जिसका दूध ये लोग इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम लाते हैं और उन्हीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं और मेरी टीम इस वक्त हम एक ख़ूबसूरत सी पहाड़ी में पहुंच चुके हैं। यहाँ दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका है और कुछ इस तरह है कि यहाँ पर इंसान बहुत ही इंजॉयमेंट कर सकता है। ये आप लोग ज़रा देखिए, ये वादी पुरन का इलाका है ज़िला शांगला का। यहाँ पर मैं और मेरी टीम अब यहाँ पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं जो खाना हम लाए हैं यहाँ पर। हम आप लोगों को दिखाएँगे कि खाना
हम किस तरह बनाते हैं, हम यहाँ पर किस तरह एंजॉय करते हैं। आप लोगों को भी मधु किया जाता है कि आप लोग आ जाए और यहाँ को एंजॉय कीजिए। खाना बनाने का प्रोग्राम शुरू है और हम बहुत कुछ हम अपने साथ ला चुके हैं ताकि हम, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जो रास्ता है वो हमने पैदल ही तय करके सफ़र की है। इसके बाद मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, अपना जो मेरा टीम है मैं उनसे मिलवाना चाहता हूं। तो कुछ लोग यहाँ पर जो मेरे टीचर हैं वो तो मसरूफ़ है, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त जनाब सजाद अली के पास मैं आप लोगों को लाया हूँ। यह यहाँ पर टमाटर काटने का प्रोग्राम या जो ज़िम्मेदारी है ये सजाद साहब के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक हो? खैरियत है। क्या एंजॉय कर रहे हैं आप? किस तरह लग रहा है आपको यहाँ आकर? पख्तों के इंटरव्यू वाला था। हाँ ज़्यादा तो वह संग एंजॉयमेंट दो को संग شکریہ।